प्रदेश की योगी सरकार ने सभी जिलों में प्रभावी ढंग से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मिशन शक्ति अभियान को गति देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमलानगर में प्रदेश की मुखिया की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना मिशन शक्ति अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को संविधान में मिले अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सीए राकेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। महिलाओं को अकेले में आत्मरक्षा करने के गुण सिखाने के बारे में जानकारी दी गई। थाना कमलानगर के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने 112 हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन 1090 के बारे में बताया। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क पर कोई गोपनीय शिकायत करने के तौर तरीके के बारे में भी जागरूक किया गया। सभी जिलों में नारियों के शक्तिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रह सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह अभियान कितना कारगर साबित होता है या फिर महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों का ग्राफ इस प्रकार बढ़ता रहेगा। किस मिशन शक्ति के तहत आज कमलानगर पार्क में महिलाओं को जागरूक किया गया, अगर क्या पूरा प्रोग्राम है? जी, ये मिशन शक्ति प्रोग्राम है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि मिशन शक्ति के रूप में जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको उनके अधिकारों के प्रति स्वावलंबन के प्रति उनको बताया जाए और वो सारे नंबर प्रोवाइड कराए जाएं जिससे उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस नंबरों पे बात कर सकें, अपनी समस्याओं को बता सकें। इसी क्रम में हमारे यहाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार हम लोग कॉलोनियों में और अपार्टमेंटों में जाके इस छोटी छोटी मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ उनको बताया जा रहा है कि आप कैसे और कैसे इन सब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबको थाने बुला के हम लोग उनको बताया जा सके। तो उसी निर्देश के क्रम में जगह जगह कॉलोनियों में इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिससे सबको ये चीज़ पता चल सके और जो मिशन शक्ति है वो वास्तव में आज की आवश्यकता है। हर महिला और बालिकाओं को उनके अधिकारों का पता होना चाहिए, जिसके क्रम में सारे नंबर हम लोगों द्वारा प्रोवाइड कराए गए, छोटी छोटी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं सीए राकेश अग्रवाल। किस तरीके का प्रोग्राम किया गया आज पार्क में? ये जो आज कार्यक्रम है ये वास्तव में जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और आज के कार्यक्रम में जो हमारा नया जो कमलानगर का थाना खुला है उसके जो थानाध्यक्ष हैं नरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने इसको एड्रेस किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो नारी शक्ति है उस नारी शक्ति को वापस जगाना है, और जो नारी के जो अधिकार हैं या उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो गलत होता है, छेड़छाड़ होती है, उन सब से वो अपने को सुरक्षित कैसे रखें उस ऐसी दशा में जब वो प्रताड़ित हो रही हैं, तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करें, कैसे दर्ज करें और वो उससे अपना बचाव कैसे करें, इस विषय पे आज हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने ये प्रकाश डाला है। और मुख्य उद्देश्य जो नारी शक्ति है उसको जागृत करना है और उसके अधिकारों के प्रति उन्हें उद्घोष जगाना है। इस तरीके के प्रोग्रामों को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम जागृति की बात करते हैं और लोगों को अलख जगाते हैं या लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं तो डेफिनेटली बात है वो अपने अधिकारों को समझते हैं और दूसरा उन अधिकारों का वो प्रयोग भी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पुलिस विभाग के द्वारा ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो पुलिस के प्रति जो एक भय है वो कहीं ना कहीं भय कम होता है और लोगों में एक सद्भावना पैदा होती है, पुलिस के प्रति ये भी भावना पैदा होती है कि नहीं, हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ से हेल्प मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। अर्चना जी, आज पार्क में प्रोग्राम किया गया मिशन शक्ति। मैम थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ। क्या प्रोग्राम किया गया था पुलिस के द्वारा, कुछ बताया गया आप लोगों को? ये प्रोग्राम जो था वो महिलाओं के लिए था, जो हमारे माननीय
मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने जो नारी शक्तिकरण का अभियान चलाया हुआ है, इसी श्रृंखला में ये प्रोग्राम यहाँ पर हमने इसका आयोजन किया था। और इसका जो मोटो था वो ये था कि हम लेडीज़ों को अवेयर करें उनके अधिकारों के लिए, कि सरकार के द्वारा उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं जिनका कि वो पूरी तरीके से यूज़ करना नहीं जानती है। एक्चुअली क्या है कि उन्हें ज्ञान ही नहीं है अपने अधिकारों का। तो जो ये अभियान चलाया गया है इससे उनको ये पता चलेगा कि हमारा किस क्षेत्र में हमारा किस तरीके से शोषण हो रहा है। आप घरेलू हिंसा को ले लीजिए, घरेलू हिंसा में यदि आपका पति आपको मरने की धमकी देता है तो वो भी कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन महिलाएं इस चीज़ को लेकर अवेयर ही नहीं है, वो छोटे छोटे अपराधों की जानकारियाँ रखती ही नहीं है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जगह जगह जाकर लेडीज़ों को जागरूक करें उनके अधिकारों के लिए, ताकि वो जो शोषण हो रही हैं समाज में, इस शोषण से बच सकें। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं महिलाओं को पूजा जाता है जी, जो देवी हैं हमारी उनको पूजा जाता है, लेकिन आज महिलाओं को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं और उनको बचाने की अपील की जा रही है, तो इस तरीके से मिशन शक्ति जो चलाया गया कितना सफल मानते हैं? मैं इसको बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी मुहिम मानता हूं, और मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से इसका इस्तकबाल भी करना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इस कदम के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि कारण है कि आज एक बताइए, किसी भी देश की या घर की कोई भी बागडोर अगर कहीं से गुजरती हो के, तो सबसे पहले मातृशक्ति से, और जिस देश की मातृशक्ति मजबूत होगी निश्चित तौर पर वो देश भी बहुत सफल और अग्रणी होगा।